हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बात करूंगा आपसे दोस्तों के बारे में। तो दोस्त एक ऐसा वाइस शख्स होता है जो कि हमारी लाइफ में बहुत खुशियाँ लाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके भी दोस्त होंगे और मेरे भी दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके भी दोस्त बेस्ट फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे और मेरे भी दोस्त हैं और बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्त एक ऐसी चीज़ है, एक वाइस ऐसा शख्स है जो आपके किसी भी टाइम में काम आ जाता है और आपके भी सेम वैसे दोस्त होंगे। जैसे अपनी स्टोरी में बता रहा हूँ ना, ये स्टोरी मेरी और आपकी बिल्कुल सेम है। लेकिन हाँ, शायद इसको आप अपने पे भी समझ लेना और मेरे ऊपर भी समझ लेना। ये नहीं क्या अगर मैं नहीं बोल पाऊँ तो आप दोनों में डिस्कट मतलब दोनों में समझ लेना, ठीक है मेरी बात को। तो दोस्त एक ऐसी चीज़ होती है मेरे भाई कि आपको किसी भी टाइम और उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो आपके लिए किसी भी टाइम हाजिर हो जाता है। और फिर दूसरी बात ये, अगर आपको आप दोस्तों में घूमने के लिए निकलते हो तो ना तो आपको टाइम का पता लगता है और ना ही वक्त का पता लगता है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ, मतलब ये कि टेंशन फ्री रहते हो। तो दोस्त एक ऐसी चीज़ है मेरे भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। और आप जो अपने दोस्तों के साथ मिल कर रहोगे और उनके साथ अच्छे से चलोगे तो बहुत ही बेहतर होगा। जैसे आपने देखा होगा, आपने एक मैं मानता हूँ आप एक स्टिक ले लो हाथ में, ठीक है, बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। आपने एक स्टिक हाथ में ले लिया अपने, अब जब आप उसको तोड़ोगे ना तो वो एक आसानी से टूट जाती है। आपने देखा होगा, आप एक स्टिक लेना एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, जब आप एक स्टिक लोगे ना तो उसको आप तोड़ना तो वो बहुत आसानी से टूट जाएगी। और जब आप लगभग 10 से 15 स्टिकें लोगे ना हाथ में, जब इतनी स्टिकें हो जाएंगी आप उनको तोड़ोगे तो वो टूट नहीं पाएंगी। वो क्यों नहीं टूट पाएंगी, क्योंकि जब आप मुत्तहिद हो जाओगे ना, मुत्तहिद का मतलब होता है जुड़े रहना, जब आप लोगों में जुड़े रहोगे ना मेरे भाई तो आपको कोई तोड़ने वाला नहीं होगा। और एक बात यह है, जब आपका कोई भी आपसे बोले कि तेरा दोस्त उससे ये बोल रहा है और तेरा दोस्त उससे ये बोल रहा है और तेरा दोस्त ने तुझे ये बोला है और तेरा दोस्त ऐसा है, ये है, वो है, तो आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसे बोलते हैं अंधविश्वास। तो उसे विश्वास नहीं करना चाहिए जो आप अपनी आँखों से देखोगे ना, सिर्फ उस पर आँखों से देखना और कान से सुनना। जब आप ये कर पाओ तब अपने दोस्त पर भरोसा करना, ऐसे किसी की बात पर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, उससे दोस्ती में दरार पड़ती है। और जब दोस्ती में दरार पड़ती है मेरे भाई तो दोस्ती उससे टूट जाती है। और जब हमारे जीवन में जो दोस्त आते हैं ना, वो खुशियों के साथ आते हैं, वो खुशियाँ लेकर के आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब दोस्त आते हैं, हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो हमें इतना अच्छा फील होता है कि बहुत अच्छा। घर से निकलने के बाद एक भाई शख्स दोस्ती ऐसे होते हैं जिनमें हम निकलते हैं घर से बाहर, तो दोस्ती हमारे साथ सारे होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं तो हमारा मन अच्छा होता है। तो आप देखना, आप उनके साथ जब मिलकर रहोगे तो आपको ना तो कोई अलग कर पाएगा, फिर आप किसी की बात पर भरोसा कर लेते हैं कि मेरा दोस्त मुझसे गलत बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो आपका जब सच्चा जो पक्का दोस्त होगा वो ना तो आपके बारे में कभी गलत सोचेगा और ना ही आपको कभी गलत करने देगा और ना ही गलत आपके बारे में सुनेगा। तो आप सब लोग बोलते हैं कि वो आपका तुम्हारा दोस्त ये है वो है, तो आपको जो करना है ना मेरे भाई, आपका भी अगर दोस्त है ये मेरा भी अगर दोस्त है, तो आपको इस पर बिना वजह कोई भी ऐसा बिना वजह कोई भी इल्ज़ाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक अपने कानों से ना सुन लो और अपनी आंखों से ना देख लो। क्योंकि लोग जो होते हैं ना उसमें बीच में मतलब ये है कि दरार डालने वाले होते हैं, एक दूसरे का अच्छा देखने वाले नहीं होते मेरे भाई। दोस्त जो होते हैं वो खुदा की नेमत होते हैं। तो ये है कि दोस्त जब मिले हैं हमें तो इनका यह है कि दोस्त के साथ में रहना चाहिए और दोस्त बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरा बताने का मकसद यही है, दोस्त जब हमें मिले हैं दोस्त बहुत अच्छी है, तो दोस्त की बात को ही समझना चाहिए और दोस्त के साथ चलोगे। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि मतलब जब अकेले रहते हो तो आप अकेले रह जाते हो, जब दोस्त के साथ होते हो तो दोस्त के साथ बहुत सारे दोस्त होते हैं आपके साथ, तो आपके भी होंगे दोस्त, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे ही। तो दोस्त जो होते हैं बहुत अच्छी चीज़ें होते हैं। दोस्तों के साथ रहोगे तो बहुत मिल कर रहोगे तो शायद आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाएगी तो तोड़ नहीं पाएगी। और जब आप अकेले अकेले रहोगे ना तो आपको जो भी चाहेगा वो तोड़ लेगा, चाहे वो कोई भी हो। एक शख्स भी एक शख्स को तोड़ने की ताकत रखता है, मतलब अगर आप सब अकेले अकेले हो ना, चाहे आप 10 दोस्त हो या 20 दोस्त हो, तो वो आपको तोड़ देंगे। और आप 10 5 भी दोस्त हो ना, वो 10 लोग हैं और आप 5 मुत्तहिद हो, तो आपको वो कितने भी जोर ला कर तोड़ेगा ना तो टूट नहीं सकते, क्योंकि आप मुत्तहिद हो चुके हो। स्टिक के एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप मिल चुके हो। और जब आप अलग हो और आप कितने भी पक्के दोस्त हो तो आपको आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है एवरीवन। तो आप दोस्तों के साथ रहो और दोस्तों का अच्छे से ध्यान रखो, आप भी उनके साथ रहो। और किसी की भी बात पर ऐसे विश्वास नहीं करना है कि वो मेरा दोस्त क्या बोल सकता है। अगर आपका सच्चा और पक्का दोस्त होगा तो वो आपके बारे में कभी गलत बोल ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि नहीं बोलेगा, उसे पता है छोटी मोटी बात तो एडजस्ट कर लेता है। दोस्ती में और घर में आपने देखा ही होगा, छोटी मोटी बात कोई भी एडजस्ट कर लेता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं नहीं, कोई भी, आप किसी भी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में आपने देखा होगा
कि दोस्ती में, घर में, किसी भी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में छोटी मोटी बातें एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर दोस्त पक्का होगा तो वो एडजस्ट करेगा, और दोस्त पक्का अगर नहीं होगा तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी की बात पर कोई फोकस देने वाली ऐसी बात होती नहीं है, इसलिए दोस्ती में दरार पड़ती है मेरे भाई। दोस्त जो होते हैं ना वो बहुत अच्छी चीज़ होते हैं। दोस्त से मिलकर रहोगे तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि मैं हूँ कहाँ और कहाँ हूँ। जब दोस्त के साथ आप रहते हो तो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है एवरीवन, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मैंने ये वीडियो दोस्तों के लिए बनाई है, सिर्फ ओनली अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि मेरे भी कुछ खास दोस्त हैं जो मेरे बहुत ही करीब हैं और मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत भी है, और ऐसे ही सेम बिल्कुल आपके भी दोस्त होंगे। माशाल्लाह अच्छी बात है, दोस्त सभी के जीवन में होने चाहिए, क्योंकि दोस्त बहुत अच्छी चीज़ है। वो दोस्त ही ऐसे होते हैं जो हम उनके साथ रहते हैं तो हमारा मन लगता है, बाकी तो कोई ऐसा होता नहीं है। घर वालों की तो एक बात ही अलग है। तो आपको कहना ये है कि भाई ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, अगर मेरी इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत गलती हो लगी हो तो बताना। कि दोस्त तो ज़्यादातर अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि टाइम आता है और धोखा दे देते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि पहले तो दिखाते हैं कि मैं ये हूँ और वो हूँ, और टाइम पर आने के बाद फिर धोखा दे देते हैं, ऐसे भी दोस्त होते हैं। ये बात तो मैंने बताना आपको छोड़ ही दिया। ऐसे दोस्त भी हमारी लाइफ में नहीं, बहुतों की लाइफ में आए होंगे। ऐसे दोस्त भी आते हैं सबकी लाइफ में कि टाइम जब आता है तो वो धोखा दे देते हैं। पहले बोलते हैं हाँ मैं दोस्त हूँ और जिगरी हूँ, ये हूँ वो हूँ, और जब टाइम आता है तो धोखा दे देते हैं। ऐसे दोस्त भी होते हैं, लेकिन हाँ उसमें जो है वो मुश्किल से 10% लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैंने ये वीडियो ओनली दोस्तों के लिए बनाई है। आई लव यू माई फ्रेंड। जितने भी मेरे दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, जितने ही मेरे यूट्यूब के मेम्बर हैं, जितने ही मेरे यूट्यूब के रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, मैं उनसे ये बोलूँगा कि मैं अपने सिर्फ अपने दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाई है, और मैं भी अपने जितने दोस्त हैं मैं सभी से प्यार करता हूँ, और जितने ही मेरे यूट्यूब के जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनसे ही बहुत प्यार करता हूँ, सभी से प्यार करता हूँ मैं। जो भी मुझसे बात रखता है मैं सबसे ही प्यार करता हूँ, सभी मेरे दोस्त हैं। ठीक है भाई, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये दोस्तों खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह के अमान में रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पे कमेंट करो। ओके, मुझे बताना मेरी वीडियो कैसी लगी, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय।